ओके हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आवाज आ रही है क्या? चैट पे बताना. ऑडिबल? यस. तो अभी मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कंपार्टमेंट रिलेटेड क्या क्या डाउट्स एंड ऑल, ताकि एक क्यों ने काइंड ऑफ सेशन हो जाए और साथ में उसके वीडियोस बना के मैं यूट्यूब पे डाल पाऊँ, डिटेल वीडियोस छोटे छोटे करके. तो कहाँ पे पूछोगे? चैट पे आपको नहीं पूछना है. आपको मैं कभी गूगल फॉर्म्स का लिंक शेयर करूंगा ग्रुप में, ठीक है? वो ग्रुप में जाके गूगल फॉर्म भर लेना है आपको. कुछ नहीं, बस क्वेरी रहेगा, क्वेरी आपको लिख लेना है और उसके बाद मैं रेस्पॉन्स देख के आपको बताऊंगा, ठीक है? उसके आंसर्स बताऊंगा. जस्ट वेट फॉर मी. तब तक बताओ कि कंपार्टमेंट प्रिपरेशन कैसे चल रहा है. मैं अभी अनम्यूट करने के लिए दे रहा हूँ. अब आप लोग से सुनना चाहूंगा कैसा चल रहा है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के बारे में बताओ. कर पा रहे हो अनम्यूट? हेलो हेलो. सर, हेलो. गुड गुड इवनिंग. हाँ बोलो. इवनिंग सर। गुड इवनिंग. पूछो. रेस्पॉन्सेस. ईमेल. हेलो हाँ सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग. सर। मेरा क्वेश्चन था सर, कुछ टीचर ये बता रहे हैं मेरे को कि जैसे आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट है और एक एडिशनल में है, तो आप दोनों का दे सकते हो, क्या दे सकता हूँ? मैंने भी कहीं कहीं पे पढ़ा कि एक एडिशनल हो गया तो फिर एक में इम्प्रूवमेंट एक में कंपार्टमेंट दे सकते हो. हाँ, मैंने सुना था टीचर कुछ बता रहे थे कि दोनों में दे सकते हो फिर आप। बट ये क्लियर हो पाएगा जब एक बार नोटिस आ जाएगा इस साल के कंपार्टमेंट नोटिस के हिसाब से. 2 जून तक वेट कर लो, ज़्यादा नहीं, और एक ही हफ्ता है. 2 जून कौन सी हाँ, डेट है? वन और टू दो जून फ्राइडे. तक आ जाएगा सर। हाँ, 1-2 आ हाँ जाएगा। मैंने भी देखा, शाम में थोड़ा सा मैं देख रहा था, तो 2 जून एक्सपेक्टेड है. तो नेक्स्ट फ्राइडे, ये फ्राइडे अभी तो हो गया क्या, वेंसडे, थर्सडे हो जाएगा अभी 12 बजे. तो नेक्स्ट फ्राइडे तक वेट करो और फिर सर्कुलर रिलीज होगा कौन कौन दे सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है. उस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आधे घंटे का पूरा एक्सप्लेन करूंगा. और सर ये, अब कुछ टीचर ये भी कह रहे थे कि अब जैसे दो सब्जेक्ट का है तो दो में नहीं दे सकते, क्योंकि कंपार्टमेंट का पेपर जो होते हैं वो एक ही दिन होते हैं सारे। हाँ, इसीलिए एक पेपर दे सकते हो, वो भी मैंने देखा. तो एक बार एक सर कंफर्मेशन आ जाने दो. नेक्स्ट ईयर हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि एक दिन में फिजिक्स सारे केमिस्ट्री पेपर होते हैं. एक ही एक ही दिन में होता है. होता है। तो ठीक है, हम देखते हैं एक बार, एक हफ्ते बाद क्लियर नोटिस आ जाए. सर और ग्रुप पर इन्फॉर्म कर देना। हाँ बिल्कुल, ग्रुप पर इन्फॉर्म करूंगा, प्लस यूट्यूब पर जी डिटेल वीडियो डालूंगा. और डिटेल वीडियो डाला नहीं हूँ काफी बिल्कुल दिनों से, इसीलिए ये ले रहा हूँ ताकि इसका रिकॉर्डिंग भी डाल दूँ. साथ में आप लोग जो क्वेरी पूछोगे ना, वो क्वेरी रिलेटेड भी छोटा छोटा वीडियो बना लो. और साथ में मैं सोच रहा था, जी जिसकी मैथ्स में कंपार्टमेंट है, ये कोर्स तो चल ही रही है, साथ में प्रीवियस ईयर के छोटे छोटे 2-2 मिनट के वीडियो डालूं. कोई है फ्री स्टूडेंट, नॉन वीआईपी स्टूडेंट मैथ्स का, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले ज्यादा होंगे शायद. सर, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का एग्जाम सर एक ही दिन में होता है क्या? ये एग्जाम ही एक ही है, मतलब जिसको इम्प्रूवमेंट देना होगा. देखो जनरली इम्प्रूवमेंट लोग कब देते हैं, जब ये कंप्लीट हो गया ये साल, इम्प्रूवमेंट अगले साल वो लोग देते हैं, कंपार्टमेंट में नहीं आता अभी, ठीक है? हाँ यस तो अगले साल ही देंगे इम्प्रूवमेंट सब. चलो, राइट योर डाउट रिलेटेड टू कंपार्टमेंट इन डिटेल. सर, एक क्वेश्चन और था हाँ सर। जैसे मेरी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट है और अगर मैं केमिस्ट्री क्लियर कर लेता हूँ हाँ तो हाँ रिजल्ट में पास आ जाएगा लिखा हुआ, तो किसमें फिर क्या किसमें मैं है? किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता हूँ? मैथ्स और केमिस्ट्री में? मैथ्स क्लियर कर लेते हो तो. सर नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, अच्छा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो वो और कॉलेज के केमिस्ट्री ऊपर क्लियर कर डिपेंड लेता करता हूँ। है. हाँ वो तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से कोर्स में कर रहे हो और वो कॉलेज में अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस पर सर डिपेंड करता है. बीएससी में कर सकते हैं? बीएससी में चांसेस है, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है. काफी लोग तो बैक के साथ भी बीएससी में कर लेते हैं. हाँ सर,
हाँ हेलो। बोलो। हेलो। हाँ हाँ आयुष सर। हाँ हाँ बोलो। सर एक्चुअली वो जैसे जिसका सर 5 सब्जेक्ट है ठीक है ना, जैसे पीसीएम एंड फिजिकल एजुकेशन, उसमें मतलब किसी का मतलब मेरे को मैथ्स में कम पार्ट लग गया। हाँ अब मैं अगर कोई चाहता हूँ कॉलेज में अप्लाई करने के, तो मैं एडमिशन होगा कॉलेज में अप्लाई किस कोर्स में? मतलब कोई भी मतलब मैथ्स को हटाकर, पर मैं तो सोच रहा हूँ कि कम पार्ट क्लियर करके जा सकते। हाँ क्लियर ही करके जाओ, बट क्या डिग्री करना हाँ चाहते हो? AI। मतलब बीटेक ही ना? हाँ वो तो मैथ्स कंपलसरी है। मैथ्स कंपलसरी है बीटेक में, अलाउ नहीं करते। मैंने अभी रिसेंटली बात किया, वो कर रहे थे हाँ पिछले कुछ साल तक, इस साल मना कर रहे। मैंने अभी कॉल किया था शाम में 2-3 कॉलेज, तो वो लोग बोल रहे हैं कि, मैंने बोला कुछ स्टूडेंट्स हैं, कंपार्टमेंट है, वो क्लियर करेंगे या फिर अभी से कुछ हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम अभी हम लोग अलाउ कर रहे थे, बट फिर बाद में स्टूडेंट्स लोग को जाके दिक्कत होता है। वो लोग बोल देते हैं कि चलो अभी कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुआ, हम नेक्स्ट ईयर सप्लीमेंट्री में कर लेंगे। उस चक्कर में बच्चे लोग रह जाते हैं, बट अगले में भी क्लियर नहीं होता, फिर अगले में क्लियर नहीं होता। ऐसे होते होते वो कॉलेज क्या वालों पे फिर दिक्कत आ जाता है, नाम नाम खराब होता है हाँ उनका। वो फिर हाँ वो जॉब वाले जो आते हैं प्लेसमेंट। जॉब वाले आते हैं तो जॉब तक पहुंचना ही नहीं है ना, जॉब से पहले वेरिफिकेशन होता है, तो फिर उस टाइम पे फंस जाता है कॉलेज की, आपने कैसे दे दिया ऐसे एडमिशन। सो दैट्स वाई वो कर रहे हैं कि भले मार्क्स कम हो चलेगा, ओवरऑल बोर्ड्स में आपका कम मार्क्स है, less than 60%, less than 50% चलेगा, बट आप सभी में एटलीस्ट पास होना चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। ठीक है चलो, मैं अभी फॉर्म सेंड कर रहा हूँ, एक सेकेंड, हेलो भैया। हेलो एक सेकेंड, मैं ग्रुप में सेंड करने दो। अरे सर। एक सेकेंड, जिसको डिटेल में डाउट है ना कोई, मतलब अपना पर्सनल कंडीशन लिख के, इतना मार्क्स आया, ये आया, वो आया, या फिर कितने सब्जेक्ट में है, वो क्या कर सकता है ना, ग्रुप में जाके देखना, कंपार्टमेंट डाउट्स नाम का एक गूगल फॉर्म आया होगा अभी। ठीक है, हाँ सर लिंक आया। हाँ वो लिंक को ओपन करके अपने डाउट डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, जिसमें हो, ताकि वहाँ पे मैं आपका डाउट को यूट्यूब तक ले सकूँ, यूट्यूब पे वीडियो बना दूँ, और कॉलेज एडमिशन रिलेटेड भी कुछ भी हो, मतलब आपके माइंड में इन जनरल कंपार्टमेंट रिलेटेड जो भी डाउट है, जस्ट राइट इट। मैंने नाम, ईमेल एड्रेस कुछ कलेक्ट नहीं किया है, ओनली आई एम कलेक्टिंग द डाउट्स, तो कुछ डिसेंट सा अच्छा सा लिख के वहाँ पे डाल दो। हाँ बोलो। सर मान लीजिए कि मेरा मैथ में कम पार्ट आया था, हाँ हाँ लेकिन मतलब साइंस से रिलेटेड नहीं करना है ओके ग्रेजुएशन, ना ही बीटेक करना है, ना ही बीएस मतलब बीएससी करना है, तो मैं ओके, अभी किस एडमिशन ले सकता हूँ? में लेना बीए मुझे करना था। है? बी ए में लेना है? हाँ हाँ ले सकते हो, कॉलेज अलाउ कर देता है जनरली। ओके वेलकम। और एक अच्छा चीज आया मेरे पास अभी फिलहाल, जस्ट बात करते करते, लास्ट ईयर का एक स्टूडेंट मैसेज किया है मुझे, या हेलो हेलो, हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे को एक चीज पूछना है सर, ये अभी कंपार्टमेंट का एग्जाम जुलाई में होगा आई थिंक सर, तो हाँ जुलाई में जुलाई होगा, एंड या अगस्त फर्स्ट तब वीक। तक ये कॉलेज एडमिशन ओपन तो ना रहेगा सर ये? हाँ हाँ खुला रहेगा, जुलाई के 2nd वीक तक हो जाएगा, ज़्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि अगस्त में फिर रिजल्ट आएगा ना, और ज़्यादा लेट नहीं होगा, उससे पहले ही हो मैंने जाएगा। सर एक कॉलेज में बात करी थी एडमिशन के रिलेटेड में, तो मैम ने बोला था कि पहले कंपार्टमेंट क्लियर करो फिर देखेंगे, ओके, तो मैं सर तब तक सीट तो फुल हो जाएगी, तब तक फिर क्या हो पाएगा सर वैसे मैं आपको ही बोल के रखना पड़ेगा कि कंपार्टमेंट क्लियर हो जाए, तब तक आप वेट करिएगा थोड़ा सा, क्योंकि कॉलेज का? मैंने बोला था, पर मैम ने बोला था कि नहीं ऐसा तो नहीं हो पाएगा। अरे होता है, अभी इससे मना कर रहे होंगे इसीलिए मना कर रहे हैं ना, सब लोग सुन लो, कॉलेज अभी काफी लोग मना इसीलिए करते हैं, जस्ट बिकॉज कि उन, अब आप लोग को बोल देंगे, फिर अभी इसे स्टूडेंट लोग भी बोलेंगे हम भी बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, उन लोगों का क्या होता है दूसरे कॉलेज के लिए, मतलब दूसरे स्टूडेंट्स लोग क्या करेंगे, दूसरे कॉलेज के लिए वेट कर रहे होंगे, उनका वहां पे नहीं होगा तब जाके आके यहाँ पे कर लेंगे, तो इसीलिए कर रहे हैं ताकि इनका एडमिशन जल्दी भर जाए, बच्चे आ जाए, बट बाद बाद में अगर बच्चा रहेगा तो फिर आपको मिल जाएगा। तो सर आपके कोई नज़र में कॉलेज है क्या सर? सर कहाँ से हो तुम? मैं एक्चुअली सर अभी तो राजस्थान में हूँ सर प्रेजेंट में,
ओके रहने वाला सर अभी है, यूपी के हैं सर, यूपी ओके, गोरखपुर। एक बार क्लियर कर लोगे ना तब मैं करवा पाऊंगा, एक बार क्लियर करो, क्योंकि मैंने भी जिनसे बात करा ना वो लोग भी बोल रहे हैं क्लियर हो जाए फिर बच्चों को हम कमिटमेंट दे देंगे, चलो लेट में भी हो जाएगा है ऐसे, मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज है, मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग क्लियर कर लो, फिर मैं आप सभी से वन ऑन वन बात करूंगा, सबका इंडिविजुअल डेटा लूंगा, और आपका बस तीन चार चीज चाहिए मुझे, 10th का और 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर मैं आपको कांटेक्ट करवा दूंगा, हो जाएगा एडमिशन, बस क्लियर सर्टिफिकेट मेरे पास पहुंचा देना, जब क्लियर हो जाए जिस दिन होगा ना उस दिन मैं पक्का बता रहा हूँ सभी का एडमिशन रिलेटेड मैं हेल्प करूंगा, कहीं ना कहीं तो हो जाएगा, दिक्कत हो सकता है बट कहीं ना कहीं करवा लूंगा। सर मैंने एक कॉलेज देखा था सर, जयपुर में जगन्नाथ यूनिवर्सिटी सर, वो कह रहा है कि आपका एडमिशन ले लेंगे तो सर, बट मेरे को डाउट हो रहा है कॉलेज का, पता नहीं क्या सर प्लेसमेंट व्लेसमेंट कैसा होगा सर, तो थोड़ा एक बार आप देख लो सर कुछ, आई थिंक कि राजस्थान कैसा में है। ना, यस सर, राजस्थान जयपुर सर। राजस्थान जयपुर, ओके ओके ठीक है, मैं सर देखता हूँ। हाँ तो अच्छे कॉलेज तो हम लोग एडमिशन ही लेंगे सर, ड्यू टू हम लोग के मार्क्स, अच्छे कॉलेज में तो हम लोग नहीं जा सकते हैं। अच्छे कॉलेज नहीं जा सकते, देखो दो तरह का होता है यहाँ पे, ठीक है एक सेकंड, यहाँ पे एक स्टूडेंट बात कर रहा था मेरे से, वो बता दूंगा, मतलब एक स्टूडेंट से बात हुआ, इसका न्यूज़ मैं शेयर करूंगा आप लोगों को, गुड न्यूज़ पहले दे देता हूँ, ये स्टूडेंट अभी क्लियर किया अपना मैथ्स कंपार्टमेंट, मैं पूरा चैट्स भी दिखाऊंगा उससे परमिशन लेके, मैं चैट भी दिखाऊंगा आप लोग को, अभी नहीं यूट्यूब पे दिखाऊंगा क्योंकि अभी ब्लर ब्लर नहीं कर पाऊंगा, और उसने अपना जो 12th का कंपार्टमेंट सर्टिफिकेट है पास करने के बाद वो सर्टिफिकेट मुझे भेजा अभी, ठीक है, और सब लोग देख के शॉक हो जाओगे कि यार ये बंदा कैसे कंपार्टमेंट क्लियर कर लिया, मतलब ओवरऑल मार्क्स उसके वैसे ही है, सी डी में है, मैथ्स में उसने 31 सिक्योर किया और टोटल आए उसके 50 मार्क्स, 31 करके पास करके छोड़ दिया, और बंदा अभी यूएस जा रहा है मेरे से बात कर रहा है, और क्या लिखा, हाँ मैंने बोला भेज दे अपना फोटो भेज दे, मैं ब्लर करके डालूंगा, तो यूएस जा रहा है वो अपना कंप्यूटर साइंस में बैचलर कंप्लीट करने, ठीक है सर उसका कौन सा कंपार्टमेंट का अटेम्प्ट था? ये उसका पहला ही अटेम्प्ट था, पहले ही अच्छा अटेम्प्ट में उसने क्लियर किया, सर, और काफी लोग जो डरते हैं ना कि फर्स्ट टाइम में क्लियर होता है नहीं होता है, रुको इफ पॉसिबल मैं इनवाइट करता हूँ उसको, एक सेकंड, जो वीआईपी मिनी ग्रुप मिनी बैच है उसको कैसे करना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा सर। मिनी में हो क्या तुम? नहीं सर अभी हूं नहीं, बट मुझे लेना है। मैंने सर उसका ना बैच लिया था, एग्जाम जानकारी, एक यूट्यूब चैनल है आपको पता होगा, हाँ, उनका मैंने बैच लिया था, लेकिन मुझे ना कुछ खास लग नहीं रहा। यहाँ पे है हमारे वीआईपी स्टूडेंट्स, उनसे थोड़ा फीडबैक ले लो, मैं तो माइक सबको अनम्यूट कर लिया हूँ, बताओ कोई भाई, यहाँ पे आयुष है फिर अमन है, क्लास इज वेरी एक्सलेंट ब्रो। सर प्रॉब्लम ये अच्छा वो है मतलब अभी अभी तो, पहली बात तो पढ़ा ही नहीं रहा जब से, दूसरी बात उस वो जो बेड़ा पार बैच है ना उसमें पहले जब स्टार्ट हुआ ना, हाँ, हेलो गुड इवनिंग सर, हाँ बोलो गुड इवनिंग, सर एक्चुअली मेरे मैथ्स में कंपार्ट आया है, मेरे फर्स्ट डे में 12th में मैथ्स में कंपार्ट आया है, मुझे हाँ बीसीए में एडमिशन लेना है, तो हो हाँ जाएगा कैसे? बीसीए में एडमिशन लेना है, हाँ मैथ्स में कंपार्टमेंट है, बीसीए में हो सकता है क्योंकि बीसीए में मैथ्स वगैरह जरूरत नहीं है, हो सकता है। सर, तो जैसे कि अभी मैंने भी कॉलेज जब रिजल्ट आना था तब उससे पहले मैंने बात की थी, तो वो लोगों ने बोले थे कि मेरिट लिस्ट पे एडमिशन होता है, फिर मैं उसके बाद बात करने नहीं गई, तो सर अभी मैं अभी वो लोग एडमिशन ले लेंगे या फिर रिजल्ट आने के बाद ही एडमिशन होगा मेरा? कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से है हो जाता है, लास्ट ईयर भी काफी लोगों ने किया था। हो जाएगा ना सर, इधर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना? प्रॉब्लम देखो मैं अपने तरफ से इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स ने कर रखा है, मैंने कॉलेज से किसी से बात नहीं किया, बट अगर वो लोग मना करेंगे बोलेंगे नहीं क्लियर करके आओ अभी हमारा पॉलिसी चेंज हो गया, रेगुलेशन चेंज हो गया, तो फिर तब हम कुछ और कर नहीं सकते, आपको क्लियर ही करना तो पड़ेगा, मैं सर सभी को बोल रहा हूँ ना क्लियर, कि क्लियर एक बार हो जाए भले जस्ट पास हो हाँ जाओ, जस्ट थोड़ा सा मतलब
एवरेज मार्क्स भी ले आओ, बिलो एवरेज ले आओ, जस्ट पास भी ले आओ ना, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा, आपके स्टेट में हो जाएगा, बाहर स्टेट में हो जाएगा। अच्छा, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे एक ही कॉलेज है, BCA कॉलेज, ओके तो वही मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में थी कि होगा कि नहीं होगा. लाइक बहुत लोगों से बात की तो बोले कि मैथ्स में कम पार्ट है तो BCA में तो एडमिशन होगा नहीं. लाइक बहुत हाँ, ऐसे लोग बोल रहे हैं. नहीं बहुत ऐसे लोग बोल रहे हैं, बट बहुतों को मैंने भी देखा है जिनका क्लियर नहीं हुआ है। अभी भी यूपी से मेरी एक स्टूडेंट है, क्या नाम, नाम तो नहीं बताऊंगा, जगह है कानपुर, कानपुर से वो पढ़ाई की लास्ट ईयर, लास्ट ईयर नहीं, वो 2019 बैच की है। उसने पहले अटेम्प्ट में दिया, क्लियर नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में दिया, क्लियर नहीं हुआ, फिर उसने तीसरे अटेम्प्ट के लिए वेट किया, और तीसरे अटेम्प्ट से पहले उसने कॉलेज एडमिशन ले लिया था, तो कॉलेज में एडमिटेड होके वो पढ़ाई कर रही थी, और लास्ट ईयर ही उसका क्लियर हो गया। तो क्लियर होने के बाद फिर शी स्टार्टेड जो डूइंग हर कॉलेज, मतलब कंटिन्यू ही कर रही थी, अभी शायद खत्म हो गया सर, तो या ये इंटर्नशिप कॉलेज पे जो है, डिपेंड करता है ना कॉलेज कि पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, अगर आपका जान पहचान होगा या फिर आप ढूंढो कि वहां से कोई जान पहचान है, तो जान पहचान हाँ. निकलेंगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना फिर आपको पासिंग के लिए वेट करना पड़ेगा, खुद से नहीं जाके यार करना सर, पड़ेगा। सर इतना तो मुझे श्योर है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लूंगी. ओके, बस मुझे एडमिशन का ही दिक्कत लग रहा था, कहीं अगर नहीं लिए तो ऐसा. नहीं, फिर आपको थोड़ा सा बस चेहरा दिखा के रखो, बातचीत करके रखो, इफ पॉसिबल आप उनसे ये भी ऑफर अपने तरफ से बोलना कि सर इज इट पॉसिबल, कैन वी बुक आर सीट बाय गिविंग सम टोकन अमाउंट, मतलब अच्छा. टोकन अमाउंट से अराउंड वो 15 से 20,000 होता है, तो दे दोगे अच्छा. तो आपके नाम का वो सीट बुक कर लेंगे, आप एश्योर कर रहे हो कि आप कंपार्टमेंट क्लियर कर लोगे। हाँ, अच्छा सर, थैंक सो दैट इज द पॉलिसी। यू सो मच हेलो, सर. ओके, वेलकम। सर मैं आपको अभी बैच का बता रहा था ना, जो बेड़ा पास. हाँ, वेडावर भी बैच में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? सर उन्होंने ना पहले तो सबसे पहली क्लास ली 11:30 बजे, जिसमें उन्होंने पूछा कि किसकी कंपार्ट आई है, कौन से सब्जेक्ट में. और उसके बाद बस यही क्लास थी एक तो स्टार्टिंग की. उसके बाद अगले दिन जो मेन क्लास हुई ना सर, उसमें भी उन्होंने आधा 1 घंटा पूछा कि क्या मतलब किस रीजन की वजह से फेल हुए हो, यही टाइम पास. और उसके बाद उसके बाद म्यूट हो जा रहे बार बार। सर उसके बाद उन्होंने हमें क्वेश्चन कराए, लेकिन कराए मतलब उन्होंने हमें बोला एनसीईआरटी बुक खोल लो, और उसके बाद उन्होंने मार्क करवा दिए क्वेश्चन की ये क्वेश्चन तुम कर लो, मैं खड़ा हूँ, तुम मुझे व्हाट्सएप मतलब फोटो खींच के भेज दो आंसर की. ओके, तो पता नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे, कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं है तो? रीजन सर अगर पता होता कि कैसे सॉल्व करना है तो कंपार्टमेंट आती है ना. क्या चार्जेस है, मतलब उनकी भी कोर्स की? अभी अभी डाउन किए 1900? उन्होंने, 1K पहले 1900 था, अभी 1K 1300 किए हैं. अच्छा, नहीं बन के जो है ना सर, जो बन के वो 1 जून से बैच स्टार्ट होगा, मेरा वाला 20 मई से स्टार्ट हुआ था, तो अच्छा, उसमें अभी वही है, क्या उसमें अभी क्या 1900 है. 1900 दे हाँ दिया आपने? जी, मैं को मतलब विश्वास नहीं. और ऊपर वी हैव गिवन यार 1K. मतलब अभी पेपर 1 महीने बाद है सर, महीने 1 महीने के बाद है ऊपर पेपर, और अभी सिर्फ हफ्ते में 3 दिन क्लास लेंगे सर, सिर्फ अरे 3 दिन. अरे, एंड पूछो वी तो हैव था यार. कंप्लीटेड LLP, लीनियर प्रोग्रामिंग इनवर्स इनवर्स एंड रिलेशन फंक्शन. और अभी मुझे समझ नहीं, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा ओनली कि इन्होंने इन्होंने मार्क करवा दिया और वन पूछा थिंग भी है, सर, फिर फायदा ही. वी हैव स्टार्टेड आवर क्लास फ्रॉम 17 और 16 ना. हाँ, 16 से ही शुरू हुआ, 16 तो चलो हाँ इंट्रोडक्शन था, 17 से पढ़ाई हाँ शुरू हुआ। 17 से आज हो गया 25, मतलब हाँ सोचिए उतना पे हम लोग 4 या 5 चैप्टर कवर कर लिए, और कल से मैट्रिक स्टार्ट होगा. हमारी तो अभी 7 मतलब 7 चैप्टर स्टार्ट कराया, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हो रहा, बस मार्क करके बोल दिया कि ये होमवर्क है तुम्हारा और ये क्वेश्चन अभी करके फोटो भेज के दो मुझे. मैं हम बोलने सर लगा था सर, आराम आराम ऐसा से करा क्यों रहे, बात, फिर LLP कराया, फिर लिसन फंक्शन कराया, मैं आराम आराम से फिर करके इतना कंप्लीट हो कराया गया, एक एक चैप्टर को दो दो तीन तीन क्लासेस के कल. उसके। हाँ अभी थोड़ा रिलेशन मैं क्या या सो टुडे राइट नाउ वी हैव विक्रम सर. विद अस। हाय विक्रम, आई वाज टॉकिंग अबाउट हिम ओनली, हेलो सर, हाउ आर यू हाउ सर? आर यू, कहाँ पे हो अभी? आई एम गुड सर. अभी मैं तो दुबई में हूँ ओके, अभी, तो नेक्स्ट मंथ आई विल बी मूविंग आउट. ओह ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यस US सर, एडमिशन।
अच्छा लगा थैंक सुन यू के। सर, सो थैंक यू यू आर सर. ऑल्सो राइट नाउ इन दैट ग्रुप ओनली जो लास्ट ईयर बना था? या आई एम स्टिल इन दैट ग्रुप. ओके तो मैं बस पूछना चाहता हूँ, ये जो स्टूडेंट्स है 2023 में कंपार्टमेंट वाले, फ्रॉम यस योर सर. फीडबैक लाइक कैसा था लास्ट ईयर का क्लास एंड ऑल, फिर पासिंग में, मतलब वो महीना तो मैं समझ सकता हूँ जो एक महीना होता है रिजल्ट के बाद, सो जस्ट टेल यस अबाउट दैट सर. 1 month थोड़ा बच्चों को। ओके सो एग्जाम्स वेर ऑन 23rd August एंड आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम 1st of August बिकॉज द आफ्टर द रिजल्ट केम आई वॉज नॉट यू नो नॉट इन दैट मूड. डिप्रेशन वॉज देयर, पेरेंट्स प्रेशर वॉज देयर एंड एवरीथिंग वॉज देयर. सो इट टुक ऑलमोस्ट 10 days टू कम आउट फ्रॉम दैट डिप्रेशन एंड एवरीथिंग. एंड फ्रॉम 1st of August आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन. आई केम अक्रॉस यूट्यूब, मेनी वीडियोज वेर देयर, मेनी पीपल वेर यू नो गिविंग यू नो बैड थॉट्स अबाउट दिस कंपार्टमेंट माइट बी टफ एक्स वाई जेड थिंग्स एंड ऑल. एंड लेटर आई केम ऑन आकाश दास चैनल AD क्लासेस एंड देट वॉज समथिंग लाइक यू नो गॉड गिविंग सम प्रसाद यू नो अ स्वीटनेस समथिंग वॉज देयर एक्चुअली अच्छा सर, एक्चुअली सर. And after that, sir, you know, gave us a link, this one, Telegram link, through which Zoom classes were held every, I guess, UE time around 4 o'clock, I guess around 6, 7 p.m. in India. या सिक्स And सेवन पीएम इन इंडिया। yeah. So every day I used to join and used to give, you know, random questions, one or two to three questions, important ones. I used to practice those and even previous year questions and all. So yeah, it was very, very useful, like one of the most useful classes that I've ever attended. The thing I got compartment is because I not focused during my boards. I not get interested during my studies, that's the thing. I सो was more व्हाट into gaming. व्हाट चेंज टुक प्लेस इन योर डेली रूटीन, मतलब जो बोर्ड एग्जाम के लिए जी पढ़ जी रहे थे और साथ में तुम कंपार्टमेंट के लिए जो अलग से 1 month यू प्रिपेयर्ड, व्हाट वाज द बेसिक डिफरेंस इन योर डेली रूटीन? बेसिक डिफरेंस वॉज दैट फोन वॉज नॉट विथ मी, फोन वॉज विथ माई ओके वेरी मॉम एंड ओनली गुड। व्हाट्सएप वॉज एक्टिव. ओके इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, एवरीथिंग वॉज डिसेबल्ड. देर वॉज ओके नो एंटरटेनमेंट अदर दैन वॉचिंग यूट्यूब इन बिटवीन वाइल हैविंग फूड और समथिंग लाइक दैट. ओके एंड आई यूज टू ऑल्सो गो फॉर ट्यूशंस लाइक ओके इन एवरी 2 to 3 days वन टाइम आई यूज टू गो फॉर टेस्ट, ओनली फॉर टेस्ट. लाइक आई यूज टू लर्न ओके फ्रॉम होम, ओनली फॉर टेस्ट आई ओके यूज टू गो देर. एंड या देर वॉज एक्चुअली जीरो एंटरटेनमेंट, indirectly zero वेरी entertainment for that 20 to 25 days. That's it. गुड। एंड दैट्स Yes, sir. व्हाट आई एम सजेस्टिंग द स्टूडेंट्स एज वेल कि यार इंस्टाग्राम रील बहुत स्क्रॉल कर लिया है, एटलीस्ट फॉर दिस नेक्स्ट 30 days क्विट एवरीथिंग। Yes, sir. Correct. या Correct. सो वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस वेदर कंपार्टमेंट इज रिटन इन द सर्टिफिकेट मार्कशीट और नॉट? आई यू शेड Nothing. योर मार्कशीट, आई विल Nothing बी is there. शोइंग देम। Yes, sir. There is a small letter C is there on the top right corner, but no one is going to see that. Small letter C is there. I can show that if you want. I can send it to you, sir, through ओके यू Telegram. कैन सेंड मी दैट। Yes, sir. I'll send that. ओके आई विल शो, आई विल ब्लर द डिटेल्स एंड आई विल शो इट इन टुमारोज वीडियो। Yeah. ओके Otherwise, थैंक it's the same यू सर। marksheet. Only the date of the result is different. That's it. ओके कूल सर कंपार्टमेंट का क्वेश्चन हार्ड आता है फिर इजी आता है बताओ उनके विक्रम। टाइम. सेम एज बोर्ड, सेम एज बोर्ड. इज नो हार्ड, देयर इज नो इजी, एवरीथिंग इज सेम. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस सर ऑफ जो प्रीवियस ईयर वीआईपी, क्वेश्चंस? व्हाट सर, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? आई मीन दे प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज यू नो दे विल ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस यू माइट गेट, ओनली द वैल्यूज माइट बी डिफरेंट. दैट्स इट. ओके यस सर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक व्हाट इज द रोल ऑफ माय इम्पोर्टेंट मार्क्ड क्वेश्चंस, व्हाट एवर क्वेश्चंस आई मार्क्ड? Yes, sir. Going through your important questions are very useful. I have went through all of them, A to Z. You have told like the chapter wise and exercise wise you have marked right long Yes, back. yes. So I still have those. So yeah, it gives Okay. goosebumps, you know, sir. It actually gives goosebumps remembering Like those life days. turning 1 month. Exactly, sir. Okay, cool. So when are you getting your admissions there at US? Already got everything is got, no? Oh, Like once I everything get is done. the yeah. Visa means everything is done. Oh, visa you got today. Yes, sir. Yes, sir. Okay, cool. Thank you, So sir. once Sir, I again, had in my congratulations. brain like once सर I बोर्ड के before going पेपर to US, में से कुछ आते हैं I will message क्वेश्चंस? you. बोर्ड के पेपर में से आते हैं कुछ क्वेश्चन विक्रम, जो एक्चुअल बोर्ड के होते हैं उसी ईयर के?
यस यस आई गॉट लाइक 2 to 3 questions फ्रॉम टू टू द थ्री बोर्ड पेपर. क्वेश्चंस यस ओके सर. ग्रेट लाइक डायरेक्टली इट केम, ओनली द वैल्यूज वेर, द नंबर्स वेर वैल्यूज डिफरेंट, दैट्स इट. ओके ओके दैट यस सर. एनी वन कैन डू दैट एग्जैक्टली एग्जैक्टली. इफ यू हैव द ओके कॉन्सेप्ट यू कैन डू इट. ओके एंड एनी सर अदर आफ्टर क्वेश्चंस वन, सर सर आप वन मोर सच थिंग. समझाओगे वीआईपी के यस. बैच में हाँ व्हाट कंसेप्ट समझाओगे आप वीआईपी मेरी बैच में? रिकॉर्डिंग डाल रखी है भाई मैंने यूट्यूब पे पहले क्लास की देख लेना और दूसरे क्लास की भी मैं डाल दूंगा कल परसों में ना दूसरे क्लास की रिकॉर्डिंग मैं फ्री में यूट्यूब में डाल दूंगा एंड उसके बाद और में कब तक फिर लेना सर? हाँ जी कब तक लेना है, मतलब कब तक ले सकते हैं? थोड़ा बैच टाइम ऑलरेडी लिमिट कंप्लीट हो बैच. चुका है बट फिर भी एक आध सीट ओपन कर लेंगे थोड़े टाइम के लिए वरना फिर जो वीआईपी में नहीं चल रहा है जहाँ पे ओनली रिकॉर्डिंग्स विल बी प्रोवाइडेड नो लाइव क्लासेस वहाँ पे लाइव क्लासेस का बैच अलग से चलेगा वो कंटिन्यू हो गया अगर आप ये जो 10-12 क्लासेस हो चुके हैं उसके रिकॉर्डिंग आप देख लेते हो और साथ में लाइव क्लास को भी मैनेज कर लेते हो देन इट इज फाइन इट इज अप टू यू नहीं, मैं फिर मैं नहीं ले लूंगा. सर वीआईपी क्लास में एंट्री मिलेगी अभी अभी मिलेंगी बहुत कम सीट है यार मतलब वही विद इन 10 सीट्स हैं 10 लोगों के बीच में है एक आध दिन में उसको क्लोज कर लूंगा इसी महीने एंड तक क्लोज कर लूंगा सर ओके पुरानी रिकॉर्डिंग्स फिर हाँ पुरानी रिकॉर्डिंग सब मिलेंगी या पुरानी रिकॉर्डिंग्स यू विल गेट योर क्लास नोट्स एंड रिकॉर्ड एवरी ईच. एवरीथिंग या विक्रम यू आर सेइंग समथिंग सॉरी टू इंटरप्ट No sir, nothing sir, nothing, nothing else of that. You have any ओके questions? I can answer that. ओके एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स व्हेन आर यू मूविंग No एक्चुअली sir. Sir, August. अगस्त दिस ईयर अगस्त कूल Yes sir. आईफोन लेते हैं ना Yes sir, we'll get you for we'll get for you sir, don't worry. ओके आई विल पिंग यू यू कैन डू वन थिंग आई विल पिंग माय व्हाट्सएप नंबर यू कैन पिंग मी देयर वी कैन स्टे इन टच Yes sir, sure sir. ओके व्हाट एल्स एनी मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंपार्टमेंट एग्जाम किसी को कुछ डाउट देखो मैं कंपार्टमेंट नहीं दिया हूँ मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ 5 साल से बट ही इज लाइव एग्जाम्पल जो अभी रिसेंटली मैसेज करते करते बात करते करते याद आ गया एंड आई कॉल्ड हिम टू दिस मीटिंग तो लाइव एग्जाम्पल है कंपार्टमेंट क्लियर होते हैं दिस वॉज योर फर्स्ट अटेम्प्ट विक्रम राइट पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर यस हो गए सर, फर्स्ट अटेम्प्ट. यस सर, फर्स्ट बहुत लोग का अटेम्प्ट. मिथ होता है कि पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता बट दैट इज रॉन्ग पहले अटेम्प्ट में विक्रम क्लियर यस सर. यस व्हाट सर इज द इफ यू लाइक, ड्यूरेशन इफ यू गिव योर फोकस एंड एग्जैक्टली एवरीथिंग, यू कैन क्लियर इट एट फर्स्ट अटेम्प्ट. या हेलो ओके सर, हाँ मेरा क्वेश्चन था. सर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था उसमें नो मिस्टेक फाउंड आया है सबका वही सर आया मैं देख नेक्स्ट रहा स्टेप था क्या होना स्क्रीनशॉट चाहिए नेक्स्ट स्टेप देखो लग रहा है तो आंसर की फोटोकॉपी मंगवाओ वरना फिर कंपार्टमेंट पढ़ के उसको क्लियर कर दो दैट्स आई एम नॉट गिवन 500 सर लग विद तो रहा है देम. लेकिन सीबीएसई से उम्मीद रह नहीं गई है अब वेरिफिकेशन के सबका बाद मैंने स्क्रीनशॉट चेक किया सभी का वही है नो मिस्टेक आया यस सर तो मंगानी चाहिए कॉपी या नहीं मंगानी चाहिए दैट डिपेंड्स यार मतलब देखो मंगाओगे तो कितना 700 रुपये लेंगे वो लोग उससे अच्छा है तुम अभी पढ़ लो एग्जाम के लिए कंपाउंडेड. हाँ हेलो. यस सर क्योंकि कंपार्टमेंट के एग्जाम की भी फी शायद जाएगी हाँ फॉर्म के फीस जाएगी कंपार्टमेंट उसके के लिए अलग से फीस है हाँ उसका सर क्या 500 कितना है सर हाँ फॉर्म का? 500 ईयर शायद हाँ कॉलेज स्कूल को देना होगा हाँ ओके एनी मोर डाउट्स लेट्स क्लियर द डाउट सो दैट बाकी डाउट्स मैं हेलो क्लियर कर सर. लूंगा हाँ ओके हाँ सर, ये हाँ सर मैं कह रहा था लैपटॉप कि मेरा जो पिछला कंपार्टमेंट था सर उसका मार्कशीट भी लेना होगा. नहीं नहीं उसका मार्कशीट नहीं अप टू डेट मार्कशीट आएगा एक विक्रम सारा सब्जेक्ट का मिलके एक तो ही मतलब मार्कशीट आता है ना बाद में यस सर, ओके एवरीथिंग तुम्हारे इज मार्कशीट ऑल मार्कशीट टुगेदर. की कुछ नहीं नहीं है ना. नहीं पिछला की कोई जरूरत नहीं अपडेटेड मार्क्स यू विल गेट आई विल शो यू अच्छा व्हाट मैंने एवर दिया ही हैज नहीं. शेड नो नीड टू कलेक्ट ओके इवन इफ सर, यू ये कलेक्ट नया यू विल वाला कीप इट मार्कशीट विथ तो योर मत. सेल्फ अच्छा सर, तो यस सर वो नया हेलो वाला मार्कशीट मतलब कहाँ से मिलेगा, पिछले स्कूल से या फिर जहाँ सेंटर है वहां से? सर पिछला स्कूल से मतलब एक्चुअल योर स्कूल लास्ट सर. ईयर सर हाँ मतलब योर लास्ट ईयर कंपार्टमेंट था क्या हाँ सर. लास्ट ईयर था एक्चुअल स्कूल से मिल जाएगा अच्छा मतलब इस बार भी दूंगा अभी कंपार्टमेंट तो हाँ जनरली मतलब. देखो दो जगह पे पूछ लेना जहाँ पे एग्जाम सेंटर है क्योंकि जो
जैसे इस साल का कंपार्टमेंट है उनको स्कूल से ही मिल जाता है, बट जो एक साल बाद प्राइवेट कैंडिडेट बन के देते हैं उनको जनरली एग्जाम सेंटर से मिलता है जहाँ पे होता है। बट विक्रम वाज फ्रेश स्टूडेंट, उसी साल का कंपार्टमेंट था, सो ही कलेक्टेड इट फ्रॉम हिज स्कूल ओनली। अच्छा यस हाँ मैं हेलो सर, सर यस ऑडिबल सर, ये कंपार्टमेंट पेपर का ड्यूरेशन क्या रहता है, टाइमिंग क्या रहता है मतलब? एग्जैक्ट सेम एज इट इज, बोर्ड बोर्ड का जो है वही है और कुछ नहीं है। बस बोर्ड में आप सारे स्टूडेंट मिलके देते हो, कंपार्टमेंट में बस कंपार्टमेंट स्टूडेंट मिलके देंगे, दैट्स द ओनली ओके सर, डिफरेंस। थैंक यू या सर। सर आई हैव अ कंपार्टमेंट के क्वेश्चन एग्जाम सर। के जो स्कूल गोइंग वाले हैं उनको स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जानी होगी या यस कैजुअल? यस 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 नो वी स्कूल कैन यूज यूनिफॉर्म, फॉर्मल आल्सो। फॉर्मल जा सकते हो बट स्कूल यूनिफॉर्म इज हाँ प्रेफर्ड। या हेलो आई हैव फ्यू सर, क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, हेलो आई हैव फ्यू क्वेश्चन टू आस्क विक्रम। सो विक्रम, माय क्वेश्चन इज लाइक, यू आर प्रिपेयरिंग, यू मस्ट बी गेटिंग फ्रस्ट्रेशन राइट इन बिटवीन, लाइक वेदर आई विल क्लियर इट और नॉट, सो हाउ यू यूज टू मैनेज दोज थिंग्स? सर, आई यूज टू गेट सच थॉट्स ऑल्सो, इवन सुसाइडल थॉट्स एंड मेनी थॉट्स वर देयर। ओके सो आई यूज टू जस्ट फोकस, आई न्यू दैट आई कैन डू इट बिकॉज द एफर्ट व्हाट आई गिव फॉर द एक्चुअल बोर्ड एग्जाम एंड द कंपार्टमेंट वेयर इज अ बिग डिफरेंस वॉज देयर। ओके अच्छा, सो आई न्यू दैट आई कैन डू दिस टाइम, दैट्स इट। सो विद दैट फोकस ओनली आई वेंट फॉर द एग्जाम। सो सेल्फ बिलीव इज वेरी मच नेसेसरी राइट? यस सर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। ओके कूल। And sir, one more thing. People prefer to stay whole night and study. So I won't prefer to do that during boards ओके because it'll create more frustration for the students. Because ओके many सो people यू told that जस्ट also. Normal, ओके सो यू जस्ट हैव टू मेंटेन द नॉर्मल डेली रूटीन राइट? नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स रिक्वायर्ड, nothing, nothing. Just study. Whenever you get time, just study. That's it. एंड जस्ट अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, स्टडी एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, Exactly, दैट्स ऑल। sir. Exactly. ओके ग्रेट, सो थैंक यू सो मच। आई इफ पॉसिबल आई विल हैव सेपरेट इंटरेक्शन विद यू, आई विल हेल्प द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ यू, जस्ट शेयर द सर्टिफिकेट वट एवर यू हैव गॉट। ओके ओके सर, एंड इफ हेलो एनी सर, मोर डाउट्स कम लाइक आई विल आस्क यू, आई विल कॉन्टेक्ट यू सेपरेटली। यस सर, मेरा एक डाउट है श्योर हाँ सर, नो पूछो प्रॉब्लम। सर। जैसे आपने कहा कि बोर्ड लेवल का आएगा एग्जाम हाँ इस बार भी, तो हाँ सर अभी इस बार बोर्ड में तो मतलब एनसीईआरटी से बाहर ही आए थे क्वेश्चन, तो कंपार्टमेंट भी सेम हुआ? एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, काफी सारे क्वेश्चन मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा एनसीईआरटी से प्लीज एज इट इज है, इसने एक्चुअली सर बताया सर, 70% एनसीईआरटी से ही था। बस घुमा के पूछ लेते हैं ना तो दिक्कत हो जाता है। विक्रम टेल मी हाउ मच मार्क यू सिक्योर्ड इन योर फर्स्ट एग्जाम, द एक्चुअल बोर्ड एग्जाम इन मैथ्स? आर यू देयर? इज इज गॉन सर। नॉट, ही इज म्यूटेड, ही इज ऑन म्यूट। हेलो हेलो यस भैया, हाँ भैया मेरा ना दो में कंपार्ट लग गया है, एक तो ओके मैथ में और एक केमिस्ट्री में। ओके मैथ में ओके मेरे 22 नंबर आए थे और केमिस्ट्री में मेरे 20 नंबर आए हैं। ओके और मैंने सोचा, और वैसे तो और फिजिक्स और हिंदी इन सब में तो 60 नंबर आ गए हैं, तो उससे परसेंटेज मेरे 16 बन रहे हैं। बस इन्हीं दोनों से मैं फेल हो गया, कंपार्ट लग गया मेरा। तो ओके वैसे मुझे मैं बीटेक करने की सोच रहा था, ओके तो मैं सोच रहा कि इस साल ड्रॉप आउट ले लूं या कंपार्ट के बाद एडमिशन करवा लूं। इस बार ड्रॉप आउट ले लोगे? ड्रॉप आउट कंपार्टमेंट के बाद एडमिशन ले लेना अच्छा है ना, ड्रॉप आउट करोगे फिर दोबारा अपीयर करोगे उसका, फिर से पढ़ना पड़ेगा, उससे अच्छा एडमिशन ले लोगे तो आगे डिग्री कंटिन्यू कर पाओगे, कम मार्क्स से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर डिग्री में अच्छा कर लेते हो। लेकिन भैया यही है कि जो अच्छे कॉलेज है ना वो सीएस ब्रांच देंगे नहीं, वो ईसी ही दे देंगे। हाँ सीएस ब्रांच नहीं मिलेगा आपको। वही, ये नहीं तो सीएस देंगे। पर बट एक कॉलेज है, वो मुझसे मतलब कि मैंने उससे हाल फिलहाल में बात किया है, हाँ वो हाँ मुझसे कह रहा है कि आप पेमेंट करके अभी, अब मैंने कहा सिर्फ कि मेरे दो में कंपार्ट आएंगे हैं, तो कह रहे ओके डोंट वरी कोई बात नहीं, आप मुझे पेमेंट मतलब कि वही 10,000 के समथिंग में करके अपना सीट बुक कर लो, तो कंपार्ट दे देंगे, कंपार्ट आप दे दोगे तो उसके बाद मतलब कि आप आगे अपना क्लास करना। तो देखो मैं मुझे रिक्वेस्ट डाउट हो करूंगा। रहा है कि हाँ हाँ बोलो। हेलो, मुझे हाँ डाउट हो रहा है कि इसका प्लेसमेंट कैसा रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी कॉलेज मुझे अभी तक तो फिलहाल नहीं बोला है कि आप आओ कंपार्ट के बाद भी और अपना सीट बुक कर लो, सिर्फ ओके एक कॉलेज ने कहा है।
एक भी कॉलेज नहीं कहता है ऐसा, क्योंकि यार उन लोगों को एडमिशन चाहिए, पैसे से मतलब है। बट अगर आप बाद में जाओगे बोलोगे कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुआ, बुकिंग अमाउंट रिटर्न कर दो, फिर उसके लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, फिर बुकिंग अमाउंट का कुछ परसेंटेज काट के आपको रख लेंगे, है ना। बेस्ट ऑप्शन है कि देखो, मैं सबको क्या रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग 100% श्योर है कि हम मेहनत करेंगे और इसी बार मतलब एक अटेम्प्ट में ही हम कंपार्टमेंट क्लियर कर लेंगे, उन्हीं लोगों को बोलूंगा कि यार आप कॉलेज एडमिशन के बारे में सोचो या जाके बात करो, या एडमिशन मतलब बुक करके रख लो। सबको चाहिए कि कंपार्टमेंट क्लियर चाहिए इसी बार में, बट फिर पॉसिबल नहीं होता है कि वो एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लें, बट भैया? मेहनत वैसे तो करोगे मैं तो हो सेवन या जाएगा। एट नंबर से ही फेल हुआ हूँ, दोनों ओके सब्जेक्ट का देखा जाए तो। ओके ओके, तो हाँ लेकिन मुझे फिर इतना पता क्लियर है कि कर लोगे अगले तुम, अटेम्प्ट में एक निकालूंगा। एक हाँ इस बार तो में, दूसरा ने अगली बार। सर, अगर 7-8 मार्क्स से फेल हो तो सीबीएसई तो ग्रेस मार्क्स दे देता। 7-8 मार्क्स क्या थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के बता रहे हो? मैंने मेरा वही मैथ्स में आया है 22 नंबर आया है, 22 और आउट केमिस्ट्री ऑफ में, और केमिस्ट्री में मेरा 80, 20 नंबर आया है। 22 आउट ऑफ 80 आया है। थ्योरी अच्छा, का बता रहा ग्रेस हूँ मार्क्स तो दे मैं, देना चाहिए था, 6-7 मार्क्स। थ्योरी का बता रहा हूँ ये मैं। थ्योरी का 22 आया तो फिर पास होने में कितना ही चाहिए? और 5 मार्क्स चाहिए, 27 चाहिए तो पासिंग के लिए। दे कैन हाँ गिव मैथ्स चाहिए, ग्रेस मार्क्स सर। ग्रेस मार्क मिल जाना चाहिए था इतने में तो, हाँ बट नहीं क्या यहाँ मुझे बताओ, मैथ्स दूसरा में, सब्जेक्ट मैथ्स रहा में है मेरा अभी। पिछली बार कंपार्ट आ गया था 46 मार्क्स पे टोटल, तो फिर तो हो सकता है। ओहो ओके ओके, तो वही मैं कह रहा था भैया, ड्रॉप आउट ले लूँ या मतलब कि ये एडमिशन करवा लूँ? ड्रॉप आउट लोगे तो अगले साल तुम्हें देना पड़ेगा ना फिर। हाँ तो मैं सोच रहा था कि जेई की प्रिपरेशन भी कर लेता साथ में। अच्छा हाँ, अगर वैसा प्लान है तो फिर ड्रॉप आउट ले लेना बेटर है, कि हाँ तुम्हारे बोर्ड्स का भी मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा और फिर जेई का भी तैयारी हो जाएगा। हाँ नहीं होगा तो अगले साल फिर इंप्रूवमेंट दे दूंगा इसके साथ में। वो भी है। केमिस्ट्री भैया कह रहा था केमिस्ट्री का क्लास व्लास नहीं चलता है वैसे? भैया का नहीं चलता, मैं मैथ्स का ही पढ़ाता हूँ। आप मतलब कि बता देते कोई जो बेस्ट होता है केमिस्ट्री के लिए। नहीं यार, आप तो खुद फीडबैक सुन लिया ना अभी, मैथ्स बाकी लोग पढ़ा रहे हैं कैसे पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए मैं रेकमेंड किसी को नहीं करता, वरना मैं जब नहीं पढ़ा रहा था मैं भी इन लोगों को उस टाइम से देखते आ रहा हूँ जो मैथ्स की पढ़ाई करवा रहे हैं। बट फिर वही है कि स्टूडेंट लोगों का कंप्लेन आया कि भैया ऐसे हो रहा है सर, ऐसे हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, कुछ भी करवा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क करके करवाना होता तो फिर वो तो हम खुद ही कर लेते, कॉन्सेप्ट नहीं अगर उनकी समझेंगे तो। पहली क्लास थी सर, हो सकता है दूसरे क्लास में करा दे। अच्छा देख लो, अगर करवा रहे हैं तो फिर कंटिन्यू करो, ऐसा कोई हार्ड लोड नहीं है। बट फिर अभी तो सर 1900 रुपये दिए हैं, घर वालों के बर्बाद तो होने नहीं चाहिए ना। वो तो है, चलो कोई बात नहीं, मीटिंग का ड्यूरेशन खत्म हो रहा है, हम लोग फिर कल बात करते हैं बाकी का डाउट्स, और मैं सर सर्टिफिकेट सर दिखा दूंगा आपको, ठीक है। सर तो इंटरव्यू इंटरव्यू क्रैक करने में कोई दिक्कत आती है कंपार्टमेंट से? नहीं, कोई और दिक्कत नहीं आती है, हो जाएगा क्लियर, सर मेरा लास्ट डाउट था सही भाई, खत्म हो ही जाएगा मीटिंग, देखो बीच में क्लोज हो जाएगा, बता रहा हूँ। कुछ कोई नहीं सर, तो क्लास में पूछ लूंगा सर मैं इसकी बात हाँ हाँ को। हाँ सर मैं ये ओके पूछा था, मैंने 19 को ये ज्वाइन किया था सर बैच, तो सर मेरा अभी सी